नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु बुचुन भाई प्रथमे देखिबा हेडलाइंस नयगड़ एसपी तालिबानी निर्देश गणमाध्यम मुह न खोलिबाको परीर परिवार को धमक जोर जबरदस्त राति अधिया उठाई नहीं छाड़ी अभियोग सेपटे अभियोग को अस्वीकार कले एसपी प्रत्युष दिवाकर पुरी और वीरमित्रपुर हाजत मृत्यु को नहीं काठगड़ा पुलिस हाईकोर्ट में पहुंचला हाजत मृत्यु घटना पोस्टमार्टम सह सविशेष रिपोर्ट दाखल रो निर्देश घटना को निंदा करने राजरास्त कोल्हैला बीजेपी उभय स्थान में न्याय प्रदान पर विक्षोभ अपराह्न अधिवेशन आरंभ गृहर हट्टगोल हाजत मृत्यु को नहीं विरोधी हो हाला गृह को चलाइबा सर्वदलीय बैठक डाकिले बाचस्पति बैठक में सामिल हेले ना विरोधी दल नेता शुणिले गुहारी ऑफिस रे निया लगाइले युवक तहसिल कार्यालय को दौड़ी दौड़ी नात होगापर पोड़ीदे ऑफिस लाइव वीडियो करने रेंगाली तहसिलदार विरोध में मारे पोस्टर खसुची कोरोना ग्राफ गत 24 घंटा रे 757 नुआ पॉजिटिव क्वारंटीन 436 लोकल कांटेक्ट 321 राज्य में 312,545 पहुंचला संक्रमित भुवनेश्वर में 30 लाख टंका सह जने युवक अटक अखा बैग रे टंका रखी बस को अपेक्षा करथिबा बेले धरा पड़िले युवक तपोवन पेट्रोल पंप पाखरु धरिला खंडगिरी पुलिस पूरी डेलांगे एसआई को दबंगिरी अभियुक्त को उधार पर सर्वसम्मुखे माड़ मारे पुलिस बाबू सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल परी परिवार उपरे पुलिस बल परी बापमा को जोर जबरदस्त उठाई नहीं पुलिस धमक देवा छाड़ी पुलिस पुलिस एभली कार्यानुष्ठान को नहीं बड़ प्रश्न सृष्टि कारण गोटे पटे न्यायपाई संघर्ष करुंतार आपटे बाहर बुलुंट अपराधी पुलिस परिवार को सुरक्षा देवा बदल उठाई ने राति अधिया परी परिवार को उठाई ने परिवार लोके बेले अंपटे नयगढ़ एसपी यहाँ खंडन कर पुलिस से उठाई ना से सीधा सीधा गणमा माध्यम निकट रे मना करिसेंते कोन कहउचेंते नयगड़ एसपी आसंतु सुनिबा से जो परीर फादर मदर गोटे एलिगेशन आइचेंते आपन को नारे जे आपन को धमक देइचेंते आपन मीडिया रे किछ कहिबे नै गुंत माने सर आपन कहिचेंते कि धमक तमक देउ नै हम पुलिस कोन पर धमक देबे पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करउछु सर तांको उठै गानी कि आपन इन्वेस्टिगेशन करथिले एइटा आपन को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अछि सर को भी उठाई के लाइक इन्वेस्टिगेशन करू ना ठीक है से माने कोउ छन अपन रात्री 3 टा रे तांको उठे गन लेबो से माने तो किसी काम नथि से माने तो मोर पाछु मोर समक्ष कलु मोर संग भेट करू तुले किसी केले नै सर अपन तांको केते बेले आनछन तांको इन्क्वायरी कर तांको केते बेले आनछन तांको सर केते बेले आनथिले अपन नै ओ अन्य डिटेल्स मु कहि परबे नै सेटा इन्वेस्टिगेट सर एसडीपीओ कोउ छन नै सर से माने तो एक्यूज नथि ना से माने एलिगेशन समान को राति 3 टा रे उठे गणा हिचो से मान निजे कहउछन से भी कहउछन जे आपन तांको नै मते तो किसी कहले नै मते तो किसी कहले आप लोग किमिति कहले नै बुझी परु नै से तो सर बाइट देइछन तां घर लोक कोई नामे मनर को काली तो किमिति बाइट देले मु बुझी पर कहा आपन को किमिति बाइट देउछन ती और कहर को तो बाइट देले नै कहा को सर देले न देले सेटा तो हमें सर जण को जण झियो को मर्डर हिचि तो सेटा तो खबर कवर करी हम दायित्व ना अन्य माने कोन करछन न करछन सर तांको को डिपेंड करे ना सर थोड़ी ना हम हमें कोन करिवु न करिवु सेटा के डिसाइड करियो हां सेटा तो पुलिस कोन करबो और कोन कहि सेटा पुलिस डिसाइड करबे ना आप ओके सर नहीं एलिगेशन आसी छि जस्ट हमें मु आपन को रिएक्शन न पई चाहू छी तो नहीं सेटा एलिगेशन फॉल्स खत्म एलिगेशन फॉल्स छि किछ एलिगेशन नै अली से सर आज एलिगेशन करछन आपन धमक देइछन बोलत अरे से आपन के मु सुनंतु कली मु संगरे से कथा कहतिले एटी बसी के यदि मु तांको धमक देउ छु से कोन पई एठी आसीले छी तो बोलजनि सर आपन उठे कि नै गेले राति 3 टा रे बोली नहीं ये तो गलत अछि गत काली जोगियापल्ली जाइक मो शशुर घर ठू आमको जोर जबरस्ती करी प्राय राति 4 टा उठी आणले आणिक थाना रे से गाँव में भी बुले आक देखला भाई तापर जोर जबरस्ती करी चल भाई बस गाड़ी ये शीघ्र चल तोर सियाड़े कम अच्छी कौन भी नौ सियाड़े कह तुम चल बस
ବସେଇକି ତାପରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି କରି ଧରିକି ଆସିଲେ, ଥାନାରେ ଆଣିକି ଆମକୁ ବସେଇ ଦେଲେ। ବସେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିନୁ କି ଆଉ ଝାଡ଼ା ଝଗଡ଼ ବି ସକାଳୁ କିଛି କରିନୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବସେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ସେଇଠି ସବୁଥର ଆମକୁ ଏମିତି ଆଣିକି ବସାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ଟର ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନସାରା ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପଚରା ଉଚରା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଦିନସାରା ବସାଉଛନ୍ତି ଆଣିକି। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଆଣିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦିନସାରା ଆଣିକି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେସର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କେସ୍ଟା ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମ ପାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୁରୀ ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ। କୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ସହ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟରେ କ'ଣ ବା କେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୀରେ, ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ, ରାଜନୈତିକ ମହଲ କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି କେସ୍ ତାଙ୍କ କଟକରେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ନେଇକି ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି, ଯେ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପିଟିସନର, ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ, ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ବା ଯେଉଁମାନେ ବିରୁଦ୍ଧ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର କରାଯାଇଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ସରକାର ସେ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ, ଯାହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା କାଲି ଗୋଟେ ଦିନରେ ବିବିସି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା କରିଥିଲେ, ଆଜି ରାଜନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ କାଲି ଗୋଟିଏ ବିଜେପି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ, ଏବଂ କାଲି ପୁରୀ ଯଦି କଥା କହିବା, ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରୋକ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କାଲି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ, ଏବଂ ରବି କଟ୍ଟନା କି ଜୟନାଥ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ରାଲି କରିଥିଲା ରାଜଧାନୀରେ, ତେବେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ମୋଡ଼ ନେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅପିଲ ହେଉଛି ବା ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟ ଯାହା ଆସିବ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ ବୋଲି? ଶରତ ରାୟଗୁରୁ ଯିଏ ପିଟିସନ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ଦିଗ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁହାଯାଇଛି କି କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ବା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ଯାହା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଛି, ତାକୁ ସରକାର ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ପ୍ରିୟାର ହେଇଛି। ଏବଂ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯୋଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, କାରଣ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏ ଆଜିକା ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଘଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ମାମଲା ଗଠନ କରାଯାଇ ମାମଲା ମାମଲା, ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପିଟିସନର ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଘଟଣାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୃଢ ଚେଷ୍ଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ହବ ବୋଲି ଏହା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯଦି ଆପଣ ଯିଏ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଶରତ ରାୟଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି କି? କାରଣ ଯାହା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ସହ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ରହିଛି ତାହା କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେବ, ତାପରେ କୋର୍ଟ ହିଁ ଶୁଣାଣି କରିବେ ଏବଂ ରାୟ ଶୁଣାଇବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଇଏ ପୁରା ପ୍ରକୃତ ରିପୋର୍ଟଟା ଦାଖଲ କରାଯିବ ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେରଫେର ହେବ? ଏବଂ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯାହାଅଛି ସେହି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ସେହି ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କଥା କହିବା, ପୋଷଣ ରିପୋର୍ଟ କଥା କହିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କାଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ହଜାର ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦିଗଭରା କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମନିଟରିଂ କରାଯିବ, ପୁରା ତଦନ୍ତ ଯାହା ବି ରହିଛି ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛି ଏବଂ ତାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳୁଛି, ସେଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ସଠିକ୍ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ଶୁଣାଣି କରିବେ ବା ଯାହା ରାୟ ଦେବେ ହୁଏତ ତାହା ହିଁ ସଠିକ୍ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।
तबे आसे परवर्ती खबर को पुरी रे हाजत मृत्यु घटना को नै हुलस्थल राज्य गोटिए पटे पुरीर ओ अन्यटी बीरमित्रपुर रे पुलिस हेफाजत रे दुई दुईटी अस्वाभाविक मृत्यु को नै हईचे सृष्टि हईचे। पुलिस पिटीपिटी मारिदेबा घटना को निंदा करिछि भारतीय जनता पार्टी। पुरी रे हाजत मृत्यु को कला दिवस आख्या देछि बीजेपी। उभय स्थान रे न्याय दाबी रे भुवनेश्वर जिला पक्षरु भारतीय जनता पार्टी तरफ रु विरोध प्रदर्शन करा जाइछि। पुलिस हेफाजत रे पुरी बासली साई थाना अंचल रे के रमेश नामक युवकंक मृत्यु अभियोग को नहीं गतकाली पुरी शहर में देखा देथिला उत्तेजना। एक घटना को नहीं पुरी रे मुहांमुही होइथिले पुलिस एवं पब्लिक। विभिन्न महल रे घटना को तीव्र निंदा करा जाइछि। सेबळी राउरकेला रे मध्य हाजत मृत्यु घटना को नहीं बीरमित्रपुर थाना रे प्रबल उत्तेजना देखा देछि। पुलिस हेफाजत रे युवक जनक थिबा बळे ताको पीटी पीटी मारि दिया जाइथिबा अभियोग आनिछन्ति परिवार लोके। एक अपराधिक मामला रे युवकंक अटक रखी पछरा अचरा करथिला पुलिस। थाना रे थिबा बळे असुस्थ होइ पडिबारु ताको राउरकेला आईजीएच रे भर्ती करा जाइथिला। सेठारे चिकित्साधीन अवस्था रे युवकंकर मृत्यु हेबा परे बीरमित्रपुर थाना रे उत्तेजना देखा देथिला। ओडिसा रे आउ शासन व्यवस्था नाही। ओडिसा रे शासन व्यवस्था संपूर्ण छुडी जाइछि। दिनो दिहि फंक्लूट होउछि। इंदिरा आवास बा प्रधानमंत्री आवास पई विभिन्न कथा विभिन्न आळ देखाई लोकमानंकु ठकिबाकु चेष्टा करूछन्ति एवं आईन व्यवस्था काली पुरतुटिछि। दुईटी जाक हाजत मृत्यु आम भावु यह निश्चित एक षड़ कहीं बॉडी की सांगे सांग पोड़ा जाइए पर नजना। जनता पार्टी ए घटनार एक उच्चस्तरीय तदंत दाबी करुच्ची एवं जो दुईटा एक थाना इन्स्पेक्टर अच्छा तुरंत बरखास्त कर आर्थिक अति शीघ्र दि जिते शीघ्र पारे दंड दिंतु आम गोटे मस टाइम दौ गोटे मस टाइम भितर तदंत फदंत कारण तदंत आड़े से बर्ष धरी गड़े चलिए परिवार न्याय पाइबे कि ओडिशावासी न्याय पाइबे। विधानसभा अपराह अधिवेशन आरंभरु हट्टगोल। हाजत मृत्यु को नहीं विरोधी सदस्य गृह से होहाला। गृह मध्यभाव को आसी विरोधी सभ्यों पाटितुंड। गृह को स्वाभाविक करने सर्वदल बैठक डाकी बाचस्पति। सर्वदल बैठक में सामिल नहांती विरोधी दल नेता। विरोधी होहाला परे गृह को प्रथम 15 मिनिट मुलतवी घोषणा करते बाचस्पति। परे सर्वदल बैठक पर 30 मिनिट मुलतवी घोषणा करते बाचस्पति। कोविड कटका मध्य आज आरंभ हो विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन। दिवंगत नेता शोक प्रस्ताव पर बाचस्पति गृह को तीनटा पर्यंत मुलतवी घोषणा करते पुणि थे गृह कार्य आरंभ होता। तेज विरोधी हट्टगोल जगू 10-15 मिनिट पर गृह को मुलतवी घोषणा करते। तेज अधिवेशन प्रथम दिन में ही अतिरिक्त बजेट आगत हो अग्रणी स्थान भाव गणा हम ये काम आज आरंभ कर मोर पूरा विश्वास महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद आम समस्त र ऑयल इंडिया के कामरे सफल हबो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे एक अनुरोध है सर, एक बार इसका उद्घाटन करने के लिए आप खाली बोल दें कि काम शुरू किया जाए, बाकी जरूर करना है। अवशेष अवशेष यस सर। हाँ शुरू करा दो सर, ने बोल दिया है काम शुरू किया। हाँ यस सर। Sir, we have set up this line number MN 231 and short point number 484. This will be the first shot, sir. So okay. This will be the first shot. So we will request the honorable minister to give us instruction to take this shot. No, he has given the instruction. Don't worry, he has given. Yes, sir. Yes, sir. We are about to take the shot, sir. अच्छा परवर्ती खबर को ऑफिस को दौड़ी दौड़ी नयांत होगा पर तहसिल कार्यालय को पोड़ीदे युवक। रेंगाली तहसिल कार्यालय में लगाई निया। आज सका 9:30 समय घटी अग्निकाण्ड। मिली सूचना अनुसार रेंगाली ब्लक तिलईमाल गांव जड़े युवक निजर कौन काम तहसिल ऑफिस को बारंबार आसी तेज उक्त व्यक्ति जनकर कौन काम नहबार आज से तहसिल ऑफिस को पहुंची। एक ऑटो साहाज्यरे किछि टायर और कागजपत्र पेट्रोल आनी तहसिल ऑफिस भितर को निया लगाइथिले। परे अग्निशम विभाग पहुंची निया को आयत्त करथिले। सांगे सांगे रेंगाली अग्निशम विभाग खबर पाई दीर्घ एक घंटा धरी निया को आयत्त करथिले।
प्रकल्प गोटे किंतु दुई दुई थर शिलान्यास गतकाल शक्ति मंत्री कैप्टेन दिव्य शंकर मिश्र और पंचायती राज मंत्री प्रताप जेना द्वारा अतोड़ा ठारे एक विद्युत ग्रिड सबस्टेसन भित्तिप्रस्तर स्थापन करा था तेज यहाँ नहीं तेजी राजनीति सालेपुर पूर्वतन विधायक तथा कटक जिला बीजेपी सभापति प्रकाश बेहरा एने सांबादिक सम्मेलन में शक्ति मंत्री और पंचायती राज मंत्री बर्षि प्रकाश बेहरा अभियोग जे कार्य को 2019 मार्च मस 5 तारीख दिन शिलान्यास करते कार्य एवं निर्माणाधीन रही तेज निर्माणाधीन कार्य को पुणी केमी शिलान्यास कर अभियोग आनी बीजेपी नेता प्रकाश बेहरा दुईहजार अठर मसीह सांसन होता 2019 शुभ देलु से कम पखापाखि 50% कम सरी जाए गत काली शक्ति मंत्री निजे कहले आसिकी जे आम मट्टी मुठाए पकईकि आर शुभ कार्य को आरंभ कलु एवं सेठी शक्ति मंत्री निजे देखिथिबे किंबा तांको आखिरे आईन मंत्री आईन रो पट्टी कला पट्टी बंधा जाइथिला से देखि पाइले नाई अधा काम सरी जाइछि एते बड़ बड़ पाचिरी हो जाइछि किंतु शक्ति मंत्री कहले मट्टी मुठाए पकेले ये अत्यंत निंदनीय घटना एवं एभली घटना को मु निश्चिंत भाबरे निंदा करिवि। मोटरजान नुआ नियम को कड़ाकड़ी पालन यहाँ नहीं जांच प्रक्रिया जोरदार करा सुवर्णपुर जिले में 8 मास बंद रही जानगुड़िकर टैक्स फिटनेस और इन्सुरांस नथाई बेआईन भाव चलाचल करुथिबा जान को जांच करिबा सह जरिमाना आदाय करुछि जिला परिवहन विभाग OD15G3487 नंबर टिपर गाड़ी टैक्स फिटनेस इन्सुरांस किछि नथाई गाड़ी रास्तारे चालुथिबारु 1,43,520 चालान कटा जाइछि। गाड़ी टैक्स बाबद को 92,000 टंका अन्यान कागजपत्र नथिबारु 51,520 टंका जरिमाना आदाय होइछि। राज्य में दैनिक कोरोना केस कमुची गत 24 घंटे सारा राज्य चिन्हट होती 757 नू आक्रांत क्वारंटीन 436 और लोकाल कंटाक्ट केस रही 321 सब् जिलूर नुआ संक्रमित संख्या 100 कम रही। अनुगुल जिलूर सर्वाधिक 75 जन नू आक्रांत चिन्हट होता बेले खोर्धारु 70 कटकु आउ 67 और सुंदरगढ़ संक्रमित होती 52 अन्य सब् जिलूर नू आक्रांत संख्या 50 भितर रही। राज्य में मोट कोरोना आक्रांत संख्या 3,12,545 को वृद्धि पाई एम सुस्थ हो 3,02,796 आक्रांत वर्तमान 8,088 केस एक्टिव रही। locations and ultimately hydrocarbon reserves in the state of Odisha. As you rightly said, sir, Bengal mein hai, is taraf KG mein hai, and so this is in between. There is no reason geologically why this basin should not have commercial hydrocarbons. And hum log jo hai, is khoj mein jude hue hai, sir. Sir, in the recent past, Secretary Saab also was repeatedly telling us about growing Oil India to grow bigger. Sir, we at Oil India have drawn ambitious plans, sir, to intensify exploration not only in Northeast and Rajasthan, but in Category 2 and 3 basins like Mahanadi on land, Andaman offshore, Kerala Konkan offshore, sir. Sir, we assure you that we will put our best efforts to intensify the exploration efforts in line with the vision of Government of India. Sir, I once again thank on behalf of the entire Oil India team for inaugurating the seismic data acquisition, and we are really very hopeful of taking this to the logical conclusion of establishing hydrocarbon resources in the more resources in the country, and especially in the Mahanadi basin and state of Odisha. Thank you so much, sir. Dhanyawad sir, bahut dhanyawad sir.
आरंभ होइछि चलित वर्ष खरीफ धान किणा। कुचिंडार उपखंड बामरा ब्लक गोविंदपुर महुलपाली और बाबुनिक्ति मालरे मंडी आरंभ करा जाइछि। अन्यपटे गोविंदपुर मंडी रे बामरा ब्लकर चाषी संगठन सदस्य माने टोकन व्यवस्था कृषि बिल को विरोध करी कला ब्याच परिधान सह विक्षोभ प्रदर्शन करितबा जणा पडिछि। सूचना अनुसार बामरा ब्लक अंचलर धान क्रय पई मंडी आरंभ होइछि। आज महुलपाली मंडी रु 280 बस्ता धान क्रय करा जाइथिबा जणा पडिछि। गोविंदपुर रे मंडी आरंभ पूर्वरु चाषी संगठन सदस्य माने पहुंची कला ब्याच परिधान करबा सह टोकन व्यवस्था और कृषि बिल को विरोध करी विक्षोभ प्रदर्शन करथिले। जगतसिंहपुर रे धळा जहर कारबार। सदर थाना तरतंग गाँव में जगतसिंहपुर अबकारी विभाग चढ़ाव कर 300 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करने जन को गिरफ्त कर। गिरफ चोरा व्यवसायी तोटापड़ा गाँव प्रभात रंजन महापात्र से दीर्घ दिन है ब्राउन सुगार बिक्री कर आसुवा बेले आज अबकारी पुलिस घर उपर चढ़ाव कर। ब्राउन सुगार सहित बैक एक बंधुक जबत हो। जबत ब्राउन सुगार मूल्य प्राय 30 लाख टंका हो जमापड़। আমি যেতবে তা ঘর পাখে পৌঁছলে সে ম্যাডাম সেতবে সে তা ঘর গোটে কেটিএম রেসিং বাইক ধরি ঘর বাহারি যেতলে সে সময় ম্যাডাম তাকে অটকাইলে। অটকাইলা পরে সে বাইক চেক কলে তার পকেটর বাহারলা ব্রাউন সুগার 300 গ্রাম ব্রাউন সুগার জমা থেলা। अनुगुल जिला समल पुलिस चोरा चालाण कारबार अभियोग रे ट्रक सह जणक गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करिछे। पुलिस पेट्रोलिंग करी फेरुतिबा समय रे समल टोलगेट रो एक 12 टन चोरा कोइला बुझे गाड़ी को जब्त करबा सह ड्राइवर को गिरफ्त करछे। गिरफ्त ड्राइवर बिहार राज्य रायगढ़ जिला रो संजीव कुमार बोली जणा पडिछे। एने समल पुलिस मामला रुजु करी अभियुक्त संजीव को कोर्ट चालाण करितिबा समल थाना अधिकारीनी चारुलता बेरांक पक्षरु जणा पडिछे। पारिवारिक कलह को नहीं शशुर को छुरी मारा ज्वाई एभली एक अभावन घटना घटी स्टेशन बजार अंचल में। वर्तमान से कैपिटल हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन होते तेबे लक्ष्मी सागर थाना बुद्धेश्वरी कॉलोनी एक बस्ती में छुरामण हो पुलिस घटनार तदंत कर। रातिरे घरे पशि कलकाना बुलाइले दुर्बृत्त। भद्रक बासुदेवपुर थाना अंतर्गत देउली गाँव मधुसूदन धळंक घर गतकाली रातिरे चोरी होइथिबा बासुदेवपुर थाना रे अभियोग होइछि। झियर बाहाघर पई सुना गहना और 5 लाख टंका घरे थिबा बेले दुर्बृत्त माने एहाकु लुटि नैथिले। अभियोग परे घटनास्थल रे पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करछि। ओलटिला कुकुड़ा बोझेई गाड़ी सुंदरगढ़ सदर थाना अंतर्गत वेड़ा बाहाल कुलकुला जंगल निकट में एक कुकुड़ा बोझेई गाड़ी ओलटी पड़ी। गाड़ी ओलटी पड़ा पर स्थानीय लोके ड्राइवर को उद्धार करने परिवर्ते कुकुड़ा बोही नहीं थिले। खबर पाई घटनास्थल में पुलिस पहुंची ड्राइवर को उद्धार करने सह सुंदरगढ़ मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कर। बेआईन मांकड़ा पथर बोझे गाड़ी जबत। खोर्धा जिला टांगी तहसील अंचल में बेआईन भाव पथर चलाण होता बेले टांगी तहसीलदार दुईट पथर बोझे ट्राक्टर हाइवा आदि गाड़ी जबत करते। गाड़ी में बेआईन भाव मांकड़ा पथर बाली चोरा चलाण कर। खबर पाई तहसीलदार गाड़ी सदल बेले पहुंच गाड़ीगुड़ी जबत कर। समय सर बुलेटिन को रखु। नमस्कार।